हेलो एवरीवन, मेरे ग्रीन लाइव चैनल में आपका मोस्ट वेलकम। और आज की जो वीडियो है वो गुलाब की कटिंग पर है, और कैसी कटिंग लेनी है, कैसी सोयल लेनी है और बेस्ट टाइम लगाने का, वो मैं सब आपको इसमें शेयर करूँगी। आइए मेरे साथ लास्ट तक वीडियो में बने रहें। और कटिंग लेने के लिए हमें एकदम न्यू ब्रांच भी नहीं चाहिए, तो जैसी ये न्यू ब्रांच है इसकी हम कटिंग नहीं लेंगे। और थोड़ा सा पकी हुई जैसी होती है, थोड़ी सी पुरानी, एक दो महीना, दो चार महीना पुरानी, तो इस तरह की हम कटिंग लेंगे। और वो भी ये थोड़ी सी ज़्यादा पतली भी नहीं लेंगे जैसे ये होती है, और बहुत मोटी भी नहीं लेंगे, जैसे इतनी मोटी, पेंसिल से ज़्यादा मोटी नहीं लेंगे, क्योंकि वो ग्रो होने में बहुत टाइम लेती है। और जो मीडियम होती है इस तरह की कटिंग हम इस तरह की लेंगे, और 4-5 इंच की हम कटिंग लेंगे। और इस ये जो है मेरी, मैं इससे दो कटिंग तैयार करूँगी। और ये देखिए, ये ग्रोइंग पीरियड है इस समय, और हम कटिंग कब कब लगा सकते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। पहले हम कटिंग, तो जैसे ये विंटर शुरू होता है अक्टूबर से लेके और फरवरी तक, हम इसके बीच कभी भी लगा सकते हैं। और अक्टूबर नवंबर में लगाते हैं तो वो उसका ग्रोइंग पीरियड होता है, तो उसमें वो बड़े आराम से चलती है, अच्छी से ग्रो हो जाती है। और जैसे ये फरवरी में भी हम लगाते हैं, नए नए शूट्स निकलने शुरू होती है, इसमें भी लगाते हैं तो ये तभी अच्छे से ग्रो हो जाती है, और वो इजी टू ग्रो ये हमारी ये चल जाती है। और मैं बताती हूँ, देखिए इसमें छोटी छोटी जो है आँख ये सूट होते हैं, तो वो वाली लेनी है हमें। जैसे ये इसमें छोटी छोटी ये सूट्स निकल रहे हैं, इस तरह की हमें कटिंग लेनी है, तो मैं इससे कटिंग लूँगी। और ये देखो, ये हमारे जो कटिंग लेने का, जो भी आपके पास चाकू या जो भी है या कटर है, तो हमें बिल्कुल जो है साफ़ सुथरा लेना है, और जो इससे कटर जो है बिल्कुल शार्प लेना है, जो एक बार में हम इससे कटिंग ले लें। और ये जो है एक बार में कट करना है हमने, और ये हमने 45 डिग्री लेवल में करना है। ये देखिए, मैं यहाँ से कट करूँगी इसको, और ये तिरछा, मतलब कि तिरछा करना है इस तरह से, हमने तिरछा ये अपना जो कटर है तिरछा करना है, तो ये तिरछी कटिंग आएगी हमारी। फिर ये कट गई, देखो ये हमारी इस तरह की कटिंग आ गई है एक ही बार में कट के। तो इसको भी हम ये, मैं इसमें से दो कटिंग बनाऊंगी मैं। अभी देखिए, ये मैंने 4 कटिंग ले ली है, और ये देखो इस तरह से 45 डिग्री कटिंग में काटी है लेवल में मैंने ये। अब इसका सोयल कैसे तैयार करना है, कौन सा सोयल लेना है, वो मैं दिखाती हूँ आपको। ये एक तो मैं कोकोपीट में लगाऊंगी, और एक ये सैंडी सोयल होता है रिवर सैंड, ये उसमें लगाऊंगी, तो दो इसमें लगाऊंगी और दो सैंडी सोयल में लगाऊंगी। तो अब इसको मैं इसमें, और अच्छा ये हमारे ये ड्रेनेज होल जो होते हैं ये ज़रूरी है, ताकि इसमें जो है पानी अगर डाले तो वो निकल जाए। तो मैं इसमें थोड़े से ड्रेनेज होल पर ये थोड़े से स्टोन रख देती हूँ, या मैं ये थोड़ा सा ये कोकोपीट का ये रख देती हूँ, जिससे हमारा ये जो है ये रिवर सैंड ना निकले। तो ये बारीक होता है, ये निकलने का ज़्यादा रहता, और इसमें तो नहीं निकलेगा, मैंने इसको ऐसे ही रख दिया। तो इसमें भी ड्रेनेज होल हैं, इसमें भी ये ज़रूरी होते हैं, नहीं तो जो है ये हमारी कटिंग जो है ये सड़ जाती है। तो अब इसे हम लगाएंगे, मैं सबसे पहले इसमें पानी डाल लेती हूँ। कोकोपीट में भी और इसमें भी सैंड में भी इसमें पानी डाल के 2 मिनट छोड़ दिया था, तो ये नीचे तक पानी इसकी आ गया है। अभी हम इसको लगा सकते हैं कटिंग को, और हम इसमें तो लगा ही सकते हैं, हम इसमें जो ये राइस हस्क होता है इसमें भी कटिंग लगा सकते हैं। देखो ये मेरे इसमें गमले में पूरी राइस हस्क है ये, तो इसमें भी इजी टू ग्रो हो जाती है, इसमें भी हम लगा सकते हैं अगर हमारे पास है तो। मेरे पास नहीं है इस समय, तो मैं इसी में ही लगाऊँगी। तो अब हमने कटिंग में, अगर हमारे पास कुछ फंगीसाइड या कुछ है लगाने के लिए, तो मैं तो खैर इसी में लगाऊंगी ये, जैसे एलोवेरा है, तो अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम सीधे भी लगा सकते हैं डायरेक्ट। तो मैंने तो ये थोड़ा सा ये लगाया है, इसमें हल्दी का लगा लेते हैं पाउडर इसकी कटिंग में। तो अब मैं इसको लगा देती हूँ, ये देखो दो कटिंग लगाऊँगी, तो एक इधर किनारे पर लगाऊँगी और एक इधर किनारे पर लगाऊँगी। ये देखिए लगाने का, ये जो होता है ये सूट्स होते हैं ये थोड़े ये ऊपर की साइड में होते हैं, ये देखो इस तरह से, तो हमें यहाँ से लगानी है ये कटिंग इस तरह से। और एक दो मैं इसी में लगाऊंगी, ये देखो ये थोड़ी सी मोटी ली है मैंने, एक इधर किनारे पे लगाऊंगी और एक मैं इसको
इधर लगाऊंगी। ये देखिए ये लग गई है मेरी, और इसको थोड़ा सा इस तरह से उंगली से दबा दो। अभी इसमें पानी वैसे तो निकलने लगा, ये देखो ये पानी तो निकल रहा है इसका, तो अभी भी ये निकल जाएगा पूरा पानी इसका, तो मैं इससे हटा दूँगी, इस बर्तन से पानी में निकाल दूँगी। तो अब ये देखो ये दोनों दो इसमें लगा दिए। अगर हम इसको प्लास्टिक से कवर कर देते हैं इसको, तो ये जल्दी से शूट्स निकल के तैयार हो जाएंगी और इसमें पत्तियाँ बन जाएंगी। और मैं इसको कवर कर दूँगी, इसको एक एक को दोनों को इनको मैं प्लास्टिक से, इससे थैलियों से मैंने इसको प्लास्टिक की पन्नी से कवर कर दिया है, और इसमें ये रबड़ लगा दी है जिससे ये इसमें एयर टाइट हो गया है। अब इसमें हवा भी नहीं जाएगी तो ये जल्दी से ग्रो हो जाएगा और पत्तियाँ निकाल देगा। ये 5 दिन में हमारा जो है ग्रो होना शुरू हो जाएगा। हल्के से ये शूट्स जो है इसमें निकले हुए हल्के हल्के लंबे हो जाएंगे, और इनको इसमें जो पानी, जैसे हमने इसमें छेद तो नहीं किया है, होल नहीं किए हुए इसमें पन्नी में, तो इसमें पानी जमा हो जाएगा, तो हम उसको जो है निकाल देंगे थैली को निकाल के, और पानी को झटके से निकाल देना है, नहीं तो इसमें क्या होगा फंगस लग जाएगी। और हम इसमें छेद कब करेंगे, इसमें जो है 15 दिन के आसपास छेद करेंगे, बीच बीच में हम इसको झाड़ते रहेंगे और इसी में लगा देंगे, क्योंकि फंगस का अटैक हो सकता है तो इसीलिए। और इसको हम 15 दिन तक ही रखेंगे, उसके बाद इसको पन्नी को हटा देंगे। फिर मैं बीच में, अगर ये बाद में मैं वीडियो बनाऊंगी, फिर आपको वीडियो दोबारा भी शेयर करूंगी।